तो फ्रेंड्स, मार्च मंथ आ चुका है और इस मंथ में बहुत सारे कमाल के फोन लॉन्च होने वाले हैं और इनमें से तो कई फोन लॉन्च हो भी चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 फोन्स के बारे में जो आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो ना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। रुको रुको रुको, वीडियो आगे देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पहले लिस्ट में फोन है वो है शाओमी का रेडमी नोट 7 प्रो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फोन आपको 13 मार्च को फ्लैश सेल में देखने को मिलने वाला है फ्लिपकार्ट या अमेजोन में। तो इस फोन को आप जरूर परचेस कीजिएगा अगर आपको कोई फोन परचेस करना है, अगर आपका बजट 14,000 है। तो ये फोन की प्राइसिंग 14,000 से स्टार्टिंग होती है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है और 4000 mAh की बैटरी के साथ में। बहुत ही अच्छा फोन है, परचेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने सेकेंड फोन में। जो हमारा सेकेंड फोन है वो है रियलमी का 3 प्रो। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा रियलमी ने रिसेंटली अपना रियलमी 3 लॉन्च किया है। तो इसका एक हाई वेरिएंट वाला ही फोन है जिसका प्राइसिंग आपको 17,000 रुपये या 15,000 रुपये में देखने को मिलने वाली है रियलमी 3 प्रो, जिसमें आपको 6.3 इंचेस का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, 16+5 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा और बहुत सारी फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये फ़ोन भी आप परचेस कर सकते हैं जो आपको मीडियाटेक का हीलियो P70 के साथ में देखने को मिलेगा। रियलमी कंपनी का है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी के साथ में आता है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो इस फ़ोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही जल्द ये भी फ़ोन लॉन्च होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड फ़ोन जो हमारा है वो है OnePlus 7। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है और मोस्ट अवेटेड फ़ोन है, बहुत ही पॉपुलर है, OnePlus के तो बहुत सारे फ़ैन हैं। तो ये फ़ोन भी आपको लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, मतलब मार्च या अप्रैल के आपको स्टार्टिंग या मिड में देखने को ये फ़ोन मिल जाएगा। तो आप अगर OnePlus के फ़ैन हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। तो इस फ़ोन में भी आपको बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। तो लीक्स की बात किया जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एक हाई वेरिएंट का फ़ोन है तो स्नैपड्रैगन 855 तो मिलेगा ही, हो सकता है इसका एक 5G वेरिएंट भी आपको देखने को मिले। 855 है तो 5G सपोर्ट करता है लेकिन देखते हैं क्या होता है। 8GB रैम के साथ में आएगा, 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा के साथ में आएगा, 16 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है, देखते हैं कब तक ये फ़ोन लॉन्च होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वीवो के V15। तो फ्रेंड्स, ये एक वीवो का फ़ोन है, पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन है जो आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। मार्च के एंडिंग तक आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। 6.53 इंचेस का स्क्रीन देखने को मिलता है, 12 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP का ट्रिपल कैमरा के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है जिसमें आपको प्रोसेसर लगा हुआ है मीडियाटेक का P70। जी हाँ फ्रेंड्स, वेबसाइट की माना जाए तो इसमें आपको मीडियाटेक का P70 देखने को मिलेगा। तो ये फ़ोन मैं आपको बता देता हूँ V15 प्रो नहीं है, V15 का एक लो वेरिएंट वाला फ़ोन है V15 है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने फिफ्थ फ़ोन का जो है सैमसंग गैलेक्सी A8S। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फ़ोन आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो ये आपको सैमसंग का सबसे सस्ता पंच होल वाला डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइसिंग की बात किया तो 30,500 की प्राइसिंग के साथ में स्टार्ट होता है। ट्रिपल कैमरा के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है, 24 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा होगा, 6.4 इंचेस का आपको डिस्प्ले के साथ में ये फ़ोन लॉन्च होगा और साथ ही में डिस्प्ले में आपको एक पंच होल मिलेगा जो बहुत ही अच्छा लगता है। लेफ्ट की तरफ में आपको पंच होल देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर के साथ में आपको ये देखने को मिलने वाला है, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। तो देखते हैं कब तक ये फ़ोन लॉन्च होता है, फिर बात करते हैं इस फ़ोन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने सिक्स फ़ोन में। तो ये भी है वीवो का नेक्स्ट 2। जी हाँ फ्रेंड्स, वीवो का एक सक्सेसर फ़ोन है, वीवो का नेक्स्ट का सक्सेसर है नेक्स्ट 2। तो इसमें आपको 12 MP प्लस 2 MP का बैक कैमरा देखने को मिलेगा। सबसे मेन फीचर इस फ़ोन का क्या है, ड्यूबल डिस्प्ले के साथ में ये फ़ोन आता है, मतलब इसमें आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, आप बैक कैमरा को एज अ फ्रंट कैमरा यूज़ कर सकते हैं। मतलब आगे में तो एक 6.3 इंचेस का स्क्रीन देखने को मिलता है और पीछे में भी आपको एक स्क्रीन देखने को मिलता है जो बहुत ही
अच्छी बात है। सुपर एमोलेड दोनों स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, 3500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 450 के साथ में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। फोन तो लॉन्च हो चुका है बट अभी तक इंडिया में नहीं आया है, देखते हैं कब तक ये इंडिया में आता है। तो फ्रेंड बात करते हैं अपने सेवेंथ फोन का, जो है आपको लिनोवो का Z5S। जी हाँ फ्रेंड्स, लिनोवो का Z5S जो बहुत ही अवेटेड फोन है। तो चाइना में ये फोन लॉन्च हुआ है, अभी तक इंडिया में नहीं आया है। बहुत ही अच्छी प्राइसिंग के साथ में आता है, अंडर 15,000 में आपको देखने को मिलता है। 6.3 इंचेस का आपको डिस्प्ले है, 3300 mAh की बैटरी के साथ में आता है, ट्रिपल कैमरा के साथ में आता है, 16 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP के कैमरा के साथ में आता है, और 16 MP का आपको फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी बात है, ट्रिपल कैमरा के साथ में आता है, रियर में आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिलता है और फ्रंट में आपको एक 16 MP का सिंगल कैमरा मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर के साथ में आएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं ये फोन भी कब तक लॉन्च होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अपने 8th फोन के ऊपर, तो ये है आपका नोकिया का 7.1 प्लस। जी है फ्रेंड्स, नोकिया का 7.1 प्लस बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो अंडर 19,000 में आपको देखने को मिलेगा, 12 MP प्लस 13 MP का रियर कैमरा के साथ में आता है, 6.1 इंचेस की डिस्प्ले है, 3500 mAh का बैटरी बैकअप है, मतलब बैटरी है, और स्नैपड्रैगन का 710 के साथ में आता है। और बात किया जाए इस फोन के रैम के बारे में, तो 4 GB की सिंगल रैम के साथ में आता है, मतलब इसका और कोई वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 12 MP का फ्रंट कैमरा है, बहुत ही अच्छे सेल्फीज आप इसमें ले सकते हैं। तो देखते हैं नोकिया के फैंस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना ना भूलें। तो बात करते हैं अपने 9th फोन में, जो हमारा 9th फोन है वो है तो वीवो का एपेक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, वीवो का एपेक्स आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द इंडिया में, तो अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं हुई है। तो इसमें आपको 12 MP प्लस 13 MP का कैमरा के साथ में आएगा, जो आपको बहुत ही शानदार पिक्चर क्लिक करके दे सकता है। स्नैपड्रैगन का 855 के साथ में आएगा, मतलब 5G सपोर्ट करेगा। 12 GB की रैम इस फोन में होने वाली है, एमोलेड डिस्प्ले होगा, और फ्रंट कैमरा के बारे में अभी कुछ भी र्यूमर्स नहीं है। अभी ये फोन र्यूमर्स में चल रहा है, तो देखते हैं ये फोन भी हो सकता है लॉन्च हो जाए। तो इसकी एक्सपेक्टेशन है इस मंथ के एंडिंग तक ग्लोबली लॉन्च हो जाए, तो देखते हैं इंडिया में कब तक आता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अपने लास्ट फोन में, जो हमारा लास्ट फोन है वो है MI का 8 Pro। जी हाँ फ्रेंड्स, MI 8 Pro जो बहुत ही पॉपुलर सीरीज है MI का, तो MI का आपको 8 Pro में बहुत सारे न्यू फीचर्स के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है इस फोन में। स्नैपड्रैगन का 845 के साथ में आएगा, 6 GB की रैम, 6.2 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 12 MP प्लस 12 MP का रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरा आपको 20 MP का देखने को मिलने वाला है। 3000 mAh का बैटरी है, साथ में क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट करता ही है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 फोन जो आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द इंडिया में, नहीं तो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं ये सब फोन कब तक लॉन्च होंगे। तो फोन की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 14,000 से लेकर 35,000 तक के फोन की बात आज हम लोगों ने इस वीडियो में की है, जो टॉप 10 अपकमिंग फोन्स है। तो देखते हैं कब तक ये फोन लॉन्च होता है, और फिर बात करेंगे इस फोन के ऊपर जब ये फोन लॉन्च हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें, ऐसे वीडियो देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री मोत है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, मिलकर चिल करते हैं अपने ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।